डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग भी पूरा इंटरेस्ट से वीडियो देखते होंगे। जो बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते होंगे सोचते होंगे कि चलो ये तो सर क्वेश्चन बता रही है, मैं जानता हूं, अगला देखता हूं मगर। ऐसा ना करें। 18 से 20 मिनट का वीडियो होता है, हो सकता है कि उसके बीच में कुछ आपके लायक ऐसा चीज मिल जाए जो आप ना जानते हो और आप जान जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे और सावधानी से ध्यान से देखेंगे, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एज एंड प्रॉब्लम का आगे की कहानी। 7 और 8 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, थीरी या बैक। पहली बात लॉजिक पे ध्यान देना है, थीरी या बैक की बात हो रहा है, थीरी या बैक की बात हो रही है। अभी नोट कर लो, आगे ये बात आएगी। थ्री ईयर बैक द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर फैमिली इन 17 ईयर आफ्टर बर्थ ए चाइल्ड इज बॉर्न एंड नाउ द एवरेज एज द फैमिली रिमेन्स सेम, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड। इसका मतलब ये होता है, कहता है कि 3 साल पीछे एक फैमिली के 5 मेंबर थे, उनका एवरेज 17 ईयर था, और जब एक चाइल्ड पैदा हो जाता है उसके बाद जो उस फैमिली का एवरेज होता है वो वही था जो 3 साल पीछे था। तो बताओ बच्चे का उम्र क्या है, राइट। देखिए नंबर ऑफ मेंबर 5, एवरेज था 17, सम ऑफ 5 मेंबर मल्टीप्लाई कर देंगे 85 ईयर होगा, आप लोगों को पता है ये। इंक्रीज नंबर ऑफ मेंबर, एक मेंबर इंक्रीज कर गया यानी 6 हो गया, चाइल्ड को जोड़ दिया, और एवरेज वही है जो 17 था, 17 ही है। तो अब इसका हम सब निकालेंगे तो आएगा 102, 17 × 6 = 102। अब कहता है कि चाइल्ड का एज तो ऐसे नहीं, ये 3 साल पीछे की बात थी, 3 साल बाद की बात। तो अब तो 5ों मेंबर का उम्र 3 साल बढ़ गया। बात को ध्यान दें, ये 5 मेंबर जो हैं आज प्रेजेंट में, पीछे से इनका 3-3 साल उम्र बढ़ गया, यानी 5 × 3 15 साल बढ़ गया। यानी प्रेजेंट 5 मेंबर्स का एज 85 तो पहले था, और 3-3 साल 5ों मेंबर का उम्र बढ़ गया आज प्रेजेंट में, तो 15 साल यानी 85 × 15 = 100 हो गया। मेंबर 50 ही नहीं 100 साल के हो गए, क्योंकि 3 साल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, 15 साल बढ़ गया। इसलिए चाइल्ड एज यहां 102 था और यहां 100 आया, तो इसको घटाएंगे और जो डिफरेंस आया 2 ईयर, यही 2 ईयर चाइल्ड का एज है और यही आपका राइट आंसर। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, इन ए फैमिली द एवरेज एज ऑफ 6 सन इन 8 ईयर, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग सन मदर एंड फादर इज 22 ईयर, इफ द फादर इज 8 ईयर ओल्डर देन द मदर देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर इन ईयर। कह रहा है कि एक फैमिली में 6 बच्चे हैं, उनका एवरेज 8 सालों का, मैंने लिख दिया 6 सन एवरेज 8 ईयर, तो सम ऑफ क्या करते हैं 6 × 8 आपको पता है यानी 48 ईयर। अब कहता है इंक्लूडिंग मदर एंड फादर, तो क्या हो गया मदर फादर एंड सन, एक माँ है और एक पिता है और 6 बच्चे हैं, तो टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ 8, और इनका एवरेज 22 ईयर दिया हुआ है, तो सम कितना होगा 22 × 8 = 176। इसका मतलब है कि मदर और फादर का एज क्या हुआ, मदर प्लस फादर, तो 176 में सन का उम्र घटा दो 48, तो 128 ईयर मदर और फादर का हो गया। अब कहता है ना कि माता से पिता 8 साल बड़ा है, राइट। हमने माना कि लेट भी है मदर एज इज एक्स ईयर, तो फादर क्या हो जाएगा 8 साल बड़ा, उसमें 8 जोड़ दो x प्लस 1,
इसलिए दोनों को जोड़ेंगे माता x पिता x प्लस 8 बराबर 128 के है, तो 2x प्लस 8 बराबर 128, 8 को उधर ले जाएंगे प्लस से माइनस होगा, और 2x बराबर 128 में 8 घटेगा तो 120, और x का वैल्यू 2 डिवाइड में गया, x बराबर 60। x हमने किसको माना था, देखिए लेट मी या मदर x, यानी कि मदर का उम्र 60 साल है। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है, 3 लाइन का क्वेश्चन है पर लिखा हुआ बहुत बड़ा है, समझने की बात है, लॉजिक है, उस लॉजिक को आप समझें। देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूं। ए पर्सन वाज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज, हिज रिप्लाई वाज टेक माय एज 3 ईयर हेंस मल्टीप्लाई इट बाय 3 सबट्रैक्ट द ट्रिपल ऑफ माय एज 3 ईयर अगो एंड यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन इन ईयर। अब फिर से पढ़ता हूं और लिखता हूं, राइट, कहता है टेक माई एज, तो मुझे एज नहीं पता है, मैंने लिखा लेट मी एक्स, उसका उम्र एक्स है, कहता है टेक माई एज 3 ईयर हैज 3 साल बाद, यानी एक्स उम्र था और उसमें 3 साल जोड़ दिया, इट बाई 3 मल्टीप्लाई इट बाई 3, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई, मैं नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन कर रहा है, जैसे क्वेश्चन कर रहा मैं कर रहा हूं, इसके बाद का था सब्ट्रैक्ट, लो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, द ट्रिपल ऑफ माई एज 3 ईयर एगो, तो एगो करने के लिए क्या करेंगे, एक्स था उसमें 3 साल पीछे कर देंगे और ट्रिपल 3 से गुना कर देंगे, कहता है एंड यू विल नाउ हाउ ओल्ड आई, हमारी प्रेजेंट उम्र क्या है बताओ, बहुत आसान, मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 9, ओके, लेकिन जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट, इसके बाद 3x, ध्यान दीजिए ये माइनस माइनस और मल्टीप्लाई के ऊपर क्या हो गया, प्लस हो गया, 3x प्लस 9 माइनस 3x प्लस 9, एक 3x प्लस में है एक 3x माइनस में है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा और 9 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18, यही आंसर है। बस अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, कहता है फादर सेड टू हिज सन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ माय एज वाज 5 ईयर मोर देन योर percentage. If the father is 39 year old, then what is the age of the son 5 year back? कहने का मतलब है कि एक पिता कहता है कि आज जो तुम्हारा उम्र है, आज जो तुम्हारा उम्र है उससे 5 साल बड़ा था जब तुम पैदा हुए थे, आज जो तुम्हारी उम्र है उससे 5 साल में बड़ा था जब तुम पैदा हुए थे, राइट, और अभी पिता 39 साल ओल्ड है, तो 5 साल प्रेजेंट से, देन व्हाट इज द एज ऑफ द सन 5 ईयर बैक, आज से 5 साल पीछे बेटा का उम्र क्या है। अब मेरी बात को सुनो, मैं आज जन्म लिया सपोज करो और मेरे पिता 5 साल, आज से नहीं बने ये 5 साल, आज के बाद मान लो कि मैं 30 साल का हो गया, अब तब मेरे फादर बोले, तो 30 साल का हो गया और फादर बोले कि जब तुम आज से पैदा हुए थे उस टाइम पे मैं तुमसे 5 साल बड़ा था, राइट, सुनिए हमने बाजार माना कि सन का टुडे उम्र एक्स ईयर, आज बेटा का उम्र एक्स ईयर है, तो फादर का कितना होगा, 39 माइनस एक्स, 39 माइनस एक्स, क्योंकि 5 साल बड़ा है, बराबर होगा एक्स प्लस 5 का, आज जो उम्र है उसमें 5 साल जोड़ेंगे वो 39 माइनस एक्स के बराबर होगा, इसका मतलब है कि 39 माइनस 5 बराबर एक्स प्लस एक्स,
यानी वो आज से 17 साल का होगा। मेरी बात को समझे, मेरी उम्र आज 17 साल सपोज करो, या मेरी उम्र उंगली पे गिन ले आज 10 साल और मेरे पापा मुझसे 5 साल बड़े थे तो 15 साल, यानी जब मैं पैदा हुआ था तो वो 15 साल का थे, और जब मेरा 10 साल उम्र बड़ा तो वो 25 साल हो गए। बात समझ रहे ना, ये कहने का मतलब है, आप इसके मतलब को समझे। तो 39-5 बराबर x+x, यानी x था और x छोड़ दिया और 5 साल जाता था। मैं 10 साल पहले की बात कर रहा था थोड़ा देर के लिए, तो 10 में 10 जुड़ गया और ये जो 5 साल जाता थे उसको घटा दिया। यानी सपोज करिए कि मेरी उम्र आज 17 साल है, तो 17 साल पीछे क्या था, मैं लड्डू। तो मेरे पापा कितने थे, 17+5, ठीक है ना, इस तरह से बनेगा। तो 39-5 बराबर x+x, तो ये 2x=34, x का वैल्यू निकाले 17, यानी कि लड़की का उम्र अभी 17 साल है। अब देखिए मैं प्रूफ करता हूं, लड़के का उम्र 17 ईयर है और फादर इनसे उस टाइम पे जब पैदा हुए थे तो 17+5 थे, कितना हो गया 17+5, 22 ईयर। और जब लड़का का उम्र 0 से 17 बढ़ा तो भैया फादर का भी तो 17 साल उम्र बढ़ा, वो वही तो वही थोड़ी बड़ा है, फिर बेटा बड़ा हो रहा है, बाप नहीं, दोनों बड़ा हुआ। तो फिर 17 जोड़ेंगे तो अब पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 39। देखिए 39 दिया हुआ है, राइट। फिर ध्यान दे, एक बार फिर बोल रहा हूं, बेटा यदि 17 साल का है जो मैंने निकाला, तो पिता उस टाइम पे क्या था, जब लड्डू था बेटा लड्डू, तो 22 साल था, आज 17 साल का। तो 17 साल का बेटा का उम्र बढ़ा तो पिता का भी उम्र बढ़ गया, वो 39 का हो गया। तो 17 साल पर जाएंगे तो 5 ईयर बैक, 17 में 5 घटा देंगे, राइट आंसर 12। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देंगे, बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है, राइट। कहता है द एज ऑफ ए मैन इज 4 टाइम्स देन द टोटल एज ऑफ हिज थ्री सन, 8 ईयर लेटर हिज एज विल बी द ट्विस्ट देन द टोटल एज ऑफ हिज If the present total age of their sons is X year, then what is the age of the man in year? कहने का मतलब ये कहता है कि 3 बच्चों का जितना उम्र है, एक का नहीं 3 का, उसके 4 गुना आदमी का उम्र है। हमने माना कि लेकिन ये जुट है, तीनों बच्चे का योग है x ईयर और फादर कितना है x का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 4x। हमने अब कहता है कि 8 ईयर लेटर 8 साल बाद तो आदमी का उम्र कितना बढ़ेगा 8, लेकिन सन का 24 बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 लड़का है ना, एक का 8 बड़ा, दूसरे का 8, तीसरे का 8, यानी अतिरिक्त 24, यानी कि x तो था और 8 से 3 लड़के को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका योग होगा x+24। आपको समझ में आ गया 24 कैसे आया, क्योंकि 3 लड़के हैं तो तीनों का 8-8 साल उम्र बढ़ा तो 24 हो बराबर है। अब ये 2 में ध्यान नहीं देना है आपको, उसको छोड़ दो, x+24 हो गया, राइट, और पिता भी 8 साल बढ़ गया, 4x+8, और मैंने कर दिया बराबर। लेकिन कहता है कि 8 ईयर लेटर हिज एज विल बी ट्विस्ट, यानी पिता अब बेटा का दुगना है, 4 गुना नहीं, तो बराबर करने के लिए बेटा को 2 से गुना कर दो, बैलेंसिंग। जब 2 से गुना करेंगे तो पिता के योग के बराबर हो जाएगा, ओके, यानी 2x+48 इधर 4x+8, x को x के तरफ लाए माइनस, 48 को ले गए माइनस, 2x में 4x घटाएंगे, माइनस बढ़ाया तो माइनस 2x,
इधर माइनस 40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 40, x बराबर 40 में 2 से डिवाइड 20, x बराबर 20, राइट? x कौन था? x बेटा था, बेटा का योग x था, तो परसेंटेज मैन का क्या है? 4x है, यानी कि 4 और x का वैल्यू 20 गुना किए, राइट आंसर 80 है, उसका परसेंटेज 80 है। ओके, आज आप लोग के लिए इतना ही है, फिर कल हम लोग मिलेंगे, और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को पूरे डाउट्स और सिलेबस को आगे ले जाने के लिए। आप लोग भी पूरा मेहनत करिए, डाउट्स को पूछिए और आगे की तरफ ध्यान से देखिए। हमारे मैसेज का वेट करेंगे, हर रोज मैसेज हम लोग सुबह भेजेंगे कि आपका क्लास कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैंने कह दिया कि 7-8 का मैथ का 1 बजे होगा, कभी टाइम चेंज भी हो सकता है, तो आप मैसेज पढ़ा करें, सीबीएसई सीआरएस का जो मैसेज जाएगा, टेक्स्ट मैसेज पे भी, व्हाट्सएप मैसेज पे भी, जिससे आप अपडेट रहेंगे। और जो मेरा वीडियो नहीं समझ में आए आप दोबारा देखिए, वो हमेशा रिकॉर्ड है यूट्यूब पे। और ज्यादा अच्छा करने के लिए आप क्या करें, यूट्यूब का सब्सक्राइबर बन जाए हमारे चैनल का, जैसे हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए पहले सब्सक्राइब का बटन, उसके बगल में एक घंटी का बेल का आएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, जब जब हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप देख लेंगे।